लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक चल रहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम का वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो इसमें बात करने वाले हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली एन असाइनमेंट प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज फॉर्म, यानी कि इस तरह से उसको फॉर्म को स्टार्ट किया जा सकता है या स्टेटराइज किया जा सकता है, जैसे कि मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एंड समीशन जे इक्वल टू 1 to n, और ये है सी आई जे एंड एक्स आई जे, बेहर एक्स आई जे इक्वल टू होगा 1 इफ आईथ पर्सन इज असाइंड टू द जी एथ जॉब, एंड इक्वल टू 0 होगा इफ ऐसा नहीं है तो, यदि आई वी पर्सन इज असाइन टू द जे एथ जॉब, अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है तो एक्स आई जे 0 होगा। इस पे सब्जेक्ट ऑफ कंडीशन 2 बन सकती हैं, एक एक्स आई जे में ही 2 कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं, जैसे कि कंडीशन नंबर फर्स्ट बनेगी सब्जेक्ट टू द कंडीशन नंबर 1 समीशन जे कडू 1 to n एक्स आई जे कडू 1, यह है ओनली ओनली 1 जॉब इज डन बाय वन जॉब इज डन बाय द आईथ पर्सन, यानी कि आई कल टू 1 to n। दूसरी बन सकती है समीशन आई कल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1, होगा ओनली वन पर्सन सोल्ड बी असाइन टू द जेथ जॉब। यानी कि जे इक्वल टू होगा 1 to n के लिए। तो ये थी एक्स आई जी को किस तरह से 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा और हो सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है। ठीक है, तो इस वीडियो में दे दे रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। एन असाइनमेंट प्रॉब्लम मे बी रिगार्डेड इन द स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम एक स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, अब बात आती है अगर ईच ओरिजिन पर्सन रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ द जॉब रिप्रेजेंटेशन एंड डेस्टिनेशंस। इफ एम इक्वल टू एन है तो नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ जॉब होता है तो वो कंडीशन कौन सी है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। यानी कि एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज द स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ जॉब के इक्वल है तो वह प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम ईच पर्सन इज एसोसिएट विद वन एंड ओनली वन जॉब्स, यानी कि इसमें जो प्रत्येक पर्सन होता है एक और केवल एक ही जॉब पे डिपेंड होता है। यानी कि एक पर्सन के पास एक जॉब होती है। ठीक है, इज द लिमिटेड ऑफ 2 वैल्यू। अब बात आती है यहाँ पे जो एक्स आई जे होता है,
ठीक है, एक्स आई जे इज लिमिटेड ऑफ टू वैल्यू, एक्स आई जे की दो वैल्यू होंगी, जीरो या वन ओनली, ठीक है। अब इसमें जो तो सर्कमफेरेंस में एग्जैक्टली एन एन अगर वेरिएबल्स होते हैं तो एक्स आई जे कैन बी नॉन जीरो या वन होता है, यानी या ईच ओरिजिन कैन बी ईच जॉब, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जॉब मिली हुई है, तो वो कंडीशन एक्स आई जी के वन के लिए होगा, ठीक है। तो वही असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अलग कंडीशन था, यानी एम एन उसमें इक्वल नहीं थे, ठीक है। जैसे कि जो इसमें कॉस मैट्रिक्स बन रहा है, तो कॉस मैट्रिक्स में एम एन रो हैं और एन ही कॉलम्स हैं, ठीक है। जितने पर्सन हैं, एक साइड में जॉब लिखा है, एक साइड में पर्सन लिखा, जितने जॉब हैं उतने ही पर्सन हैं, तो इक्वल जॉब इक्वल पर्सन, तो वो प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम है। बट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या था, एम अलग था, एम की रो अलग था, कॉलम अलग था, ठीक है, एम एंड आपस में इक्वल नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, बट जिस कंडीशन में एम एंड इक्वल होंगे, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसमें जॉब एंड पर्सन इक्वल होते हैं, वो उसकी असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। यानी कि एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ एम इक्वल टू एन, यानी कि नंबर्स ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर्स ऑफ जॉब।